गायन हो रहा था, वो गायन चलता रहा तब तक इनकी बात ना हो पाई। रेवती को लेकर खड़े रहे और द्वापर युग आने लगा। तो आदमी छोटे हो गए, लेकिन वो सतयुग की दुल्हन बहुत बड़ी थी। कि सतयुग की ऐसी कथा हम पढ़ी है के बलराम छोटे और रेवती बड़ी है। कहना पड़ा के दूल्हा की दुल्हन से, के दूल्हा की दुल्हन से कम ये उम्र है। छोटे भैया काले सी कैसे, अरे दूल्हा की दुल्हन से कम ये उम्र है। शादी हुई लेकिन जैसा अगले प्रसंग में सुना ठीक उसी प्रकार। छोटे भैया जाम पति सतयुग की, जामबंद का अवतार सतयुग में हो गया अंतम चरण में, और उसी समय उनकी पुत्री जामवती ने अवतार लिया। जाम पति सतयुग सुख मारी, द्वापर में ब्याही श्री गेरे धारी, द्वापर में ब्याही श्री गेरे धारी, द्वापर में ब्याही श्री गेरे धारी, द्वापर में ब्याही श्री गेरे धारी। रक्षराज जामवंत की पुत्री का नाम जामवती, और भगवान कन्हैया से शादी हुई द्वापर में। जाम पति सतयुग की कुमारी, द्वापर में ब्याही गई गेरे धारी, द्वापर में ब्याही गई गेरे धारी, द्वापर में ब्याही गई गेरे धारी। भगवान कन्हैया का और जामवंत का, बड़े भैया के जामवंत के सेने का, जामवंत किसने का छेड़ा था, जामवंत किसने का समर है, जामवंत हुआ किसने समर है। 28 दिन दोनों में लड़ाई हुई, और जब जामवंत हार गए तो अपनी पुत्री जामवती की शादी भगवान कन्हैया से हो गई। के जामवंत किसने का छेड़ा था समर है, हे के जामवंत किसने का छेड़ा था समर है। शादी हुई लेकिन बड़ा सतयुग की दुल्हन द्वापर कबर है। शादी हुई लेकिन बड़ा अंतर है, कामदेव को भस्म कर दिया, और वो रति भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचती है। बोले प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब मैं कहां जाऊं क्या करूं। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया, रति तेरा पति जो दे द्वापर में मिलेगा। तो लिखना पड़ा सतयुग की दुल्हन ऐसी रति है,
काम का अवतार जो प्रथम पति है, काम का अवतार जो प्रथम पति है, काम का अवतार जो प्रथम पति है। ए सतयुग की दुल्हन ऐसी रति है, काम का अवतार जो प्रद्युम्न पति है, काम का अवतार जो प्रद्युम्न पति है, काम का अवतार जो प्रद्युम्न पति है। और जब पति मिल गया दादाजी तो रसिया किस्मत कई अब सुधरे है, जब पति ही मिल गया तो रसिया किस्मत कई अब सुधरे है, शादी हुई बड़ा अंतर है, शादी हुई लेकिन बिहारी लाल की जय।